हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। आई होप 3 लेक्चर्स हुए, जिसमें एक इंट्रो था, 2 सम हमने सॉल्व किया, सम नंबर 1, सम नंबर 2। आज हम सम सॉल्व कर रहे हैं सम नंबर 4, थर्ड नहीं 4, जो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व सम है उसमें सम नंबर 4। मैं क्लियर बता रहा हूं, हम लोग यहाँ पे मैं लेजर सॉल्व कर रहा हूँ और आपको क्या सॉल्व करने का है, जर्नल एंट्री, बराबर है? साथ साथ में सॉल्व करना ताकि आपको समझ में आ जाए जर्नल एंट्री और लेजर कैसे सॉल्व होता है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं वेदू क्या दिया है। द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ मकरंद एंड महेश शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। रिया, 3:2 क्या है बेटा? ओल्ड रेशियो। 3:2 क्या है? ओल्ड रेशियो। 3:2 क्या है? ओल्ड रेशियो। क्लियर है क्या? पक्का है? नहीं, अब अपने को उनका बैलेंस शीट बना के दिया गया है। अपने को बैलेंस शीट से कोई लेन देन है नहीं, अपने को अपना अकाउंट मालूम होना चाहिए कि लेजर बनाने का तो कौन से अकाउंट बनते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। वर्किंग के अंदर अपन 2 वर्किंग प्रिपेयर करते हैं, समझ में आया? एक होता है गुडविल अकाउंट और एक होता है कैश और बैंक अकाउंट। ओके, चलिए देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है, ही पेड ₹1,00,000 एज हिज कैपिटल एंड ₹40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय RTGS। पहले ₹1,00,000 कैपिटल दिया, उसकी एंट्री पास करते, ₹1,00,000 दिया तो एंट्री क्या आएगा? एंट्री है पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है? पार्टनर, पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 1,00,000। पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट कितना? 1,00,000। समझ में आया? जर्नल एंट्री क्या है? कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट 2। कौन सा कैपिटल? मंगेश कैपिटल। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट 2 मंगेश कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट 2 मंगेश अकाउंट कितना? 1,00,000। लिख लिया जर्नल एंट्री। लेजर पोस्टिंग सबको समझा? लेजर पोस्टिंग समझा है 100%। आगे क्या दिया है जरा देखो, आगे दिया है ₹40,000 उसने गुडविल का लाया, कैश में नहीं बट RTGS। RTGS भी मतलब उसे पैसा दे दिया ना, रेज हो रहा है क्या? नहीं, RTGS मतलब ऑनलाइन बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर दिया, बट पैसा तो आ गया ना। अब पैसा है तो इसकी एंट्री क्या है? पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा है? गुडविल। तो गुडविल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट क्रेडिट कितना? 40,000। 40,000 समझा? जनरल एंट्री क्या आएगा? कौन सा अकाउंट डेबिट है? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट है? गुडविल। गुडविल अकाउंट क्रेडिट। अंडरस्टूड? पक्का समझाए वेदू? संजना क्लियर है? मरियम? एंट्री डन। लेकिन रूल फॉर गुडविल क्या है? आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जरा क्वेश्चन में कहीं भी चेक करो, न्यू रेशियो दिया है क्या? दिया, दिया है। कहाँ दिया न्यू रेशियो? कहाँ दिया है? कहाँ दिया न्यू रेशियो? जरा पढ़ाओ, जरा मेरे को भी तो दिखे, मैंने तो नहीं देखा है। उसने दिया है, किधर दिया है? कहीं पे भी नहीं दिया है बेटा न्यू रेशियो क्वेश्चन पे, कहीं पे नहीं। सर वो हाफ शेयर दिया ना 1/2, वो क्या है? वो हमने इंफॉर्मेशन दिया है कि मंगेश को हम एडमिशन देंगे तो हम उसे प्रॉफिट में कितना शेयर देंगे? हाफ शेयर देंगे। वो न्यू रेशियो है क्या? नहीं, मतलब क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है। जब न्यू रेशियो नहीं दिया तो न्यू रेशियो कट हो गया, तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा? ओल्ड। और ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। तो गुडविल किस में बटेगा? 3:2 में। लेकिन इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो में नहीं बटेगा। सर क्यों नहीं बटेगा? लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ना, उस पर क्या दिया है जरा पढ़ो। द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस इक्वली, ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड किया सैक्रिफाइस रेशियो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अगर ये लाइन नहीं होता तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहता? ओल्ड रेशियो।
बट इस क्वेश्चन में दिया है कि पार्टनर ने डिसाइड किया सैक्रिफाइस रेशियो क्या रहेगा, इक्वल। मतलब जो भी गुडविल का पैसा आया है वो कैसे बटेगा, इक्वली। कितना पैसा आया था, 40,000, इक्वल बटेगा मतलब आधा 20 आधा 20। तो यहाँ पे मकरन को 40,000 का आधा 20,000, महेश को 40,000 का आधा 20,000। समझा, ये तो वर्किंग हो गया। अब इसका पोस्टिंग करने का, गुडविल आया था क्रेडिट, बटेगा तो क्या आएगा, डेबिट। इधर डेबिट और किसको बटेगा, पार्टनर को, तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट, मकरन को 20,000, महेश को 20,000, और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बाय गुडविल, मकरन को 20, महेश को 20। जनरल एंट्री क्या रहेगा इसका, गुडविल अकाउंट डेबिट टू मकरन कैपिटल टू महेश कैपिटल। अरे समझा, तो इसकी जनरल एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू मकरन कैपिटल अकाउंट टू महेश कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा, 20,000। अरे समझा, पक्का। गुडविल अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 40,000। गुडविल अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 40। मकरन कितना, 20। महेश कितना, 20। किधर, क्रेडिट में। आनंदी, क्लियर बेटा, पक्का, डन। भाई तुमने सॉल्व कर लिया, गुडविल भी हो गया, कैपिटल अभी नॉर्मल सा एडजस्टमेंट, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन यही सब आने वाला है। क्लियर है, पक्का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड एट 48,000। स्मिथ, इसका मतलब क्या है कि प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू कितना है, जरा अपने को देखना पड़ेगा प्लांट का पुराना वैल्यू कितना है। तो प्लांट का पुराना वैल्यू 60,000 है, नया वैल्यू कितना है, तो वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, अगर बढ़ रहा है तो एप्रिसिएशन, कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन। अभी वैल्यू कम हो रहा है मतलब डेप्रिसिएशन, कितना असेट का वैल्यू कम होगा, फायदा कि नुकसान, जो भी नुकसान है वो कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। टू प्लांट एंड मशीनरी कितना, 12,000। जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा, 12,000। 12,000 समझ में आया क्या। तो इसकी जर्नल एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, लिख लिया सबने, क्या बात है, डन है यहां तक सबका, पक्का। बढ़ू नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ना, सम का जरा ध्यान देना। मकरन टेकन, सॉरी बिल्डिंग टेकन बाय मकरन फॉर 1,00,000। मकरन 1,00,000 रुपए में बिल्डिंग लेके जा रहा है, जरा ध्यान से एडजस्टमेंट, एकदम कॉन्सेंट्रेशन से एडजस्टमेंट के ऊपर फोकस करना। बिल्डिंग टेकन बाय मकरन फॉर रुपीज 1,00,000, बराबर है। जरा देखो अपना बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, अरे 72,000 का बिल्डिंग है, 1,00,000 रुपए में लेके जा रहा है, मतलब हम आ जाते हैं एनपीओ पे। आप याद करो एनपीओ में सेल ऑफ असेट होता था, अपन जर्नल एंट्री सॉल्व करते थे, याद है, इधर भी मैं ऐसा ही करता हूं। मकरन बिल्डिंग लेके जा रहा है, बिल्डिंग का कीमत कितना है, लेके कितने में जा रहा है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या है, बिल्डिंग आ रहा है कि जा रहा है, बिल्डिंग होता है डेबिट असेट, जा रहा है तो क्या आएगा, क्रेडिट। भाई बिल्डिंग गया कितना, कितने में गया, कौन लेके गया, तो मकरन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 1,00,000। बिल्डिंग गया कितने का, फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ, कितने का, जनरल एंट्री समझा। इसका जनरल एंट्री मैंने ही सॉल्व कर दिया, मकरन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 1,00,000। बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट कितना, 72। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कितना, 20। अब इसका पोस्टिंग आराम से, रुको रुको रुको, पहले समझ लो, बाद में आराम से लिख लेना। एंट्री समझ गया, अब पोस्टिंग, मकरन कैपिटल अकाउंट डेबिट में कितना लिखने का, 1,00,000। बिल्डिंग के क्रेडिट में कितना लिखने का, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कितना, बराबर है। चलिए तो मकरन कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट में कितना, 1,00,000, किस चीज का है, बिल्डिंग का है, तो टू बिल्डिंग, मकरन में 1,00,000। बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट करने का, तो बिल्डिंग तो जा रहा है ना, असेट में माइनस किया, डेबिट में माइनस किया तो क्रेडिट होगा, तो लेस, मकरन कितने में लेके जा रहा है, 72,000 का बिल्डिंग, ये तो नील हो गया, फायदा कितने का हुआ, 28। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कितना, 28। समझा एंट्री, लेजर में कैसे पोस्ट किया, 1,00,000 डेबिट क्रेडिट,
72 क्रेडिट, 28 क्रेडिट, दोनों क्रेडिट को ऐड करोगे तो 1 लाख क्रेडिट और 1 लाख डेबिट। समझ में आया? असेट का मतलब डेबिट साइड, डेबिट पे माइनस किया तो कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट। तो 72,000 क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस 28,000 क्रेडिट, दोनों क्रेडिट को प्लस करेंगे तो 1 लाख क्रेडिट और 1 लाख डेबिट हो गया। समझा? तो जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग क्लियर है? ये एंट्री इंपॉर्टेंट था रिया, समझ में आया है? पक्का जर्नल एंट्री लिख लिया? अगर नहीं लिखा है तो जर्नल एंट्री लिख के लो। पहले जर्नल एंट्री क्या लिखाया था मैंने इसका, मकरन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे समझाइए पक्का। इसका पोस्टिंग अपन ने किया था, क्या किया इसका पोस्टिंग? इसका पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। समझा? चलिए देखिए, बकरंत अकाउंट डेबिट 1 लाख, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट 72, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 28,000। डन डन पक्का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 4,000। कल के लेक्चर में भी किया था, आज भी सेम, कल भी सेम था 3,000 रुपए वाला, आज 4,000 का है। जरा बैलेंस शीट में डेटास देखना, 42 माइनस 2,000, कल मैंने नहीं किया था, कल मैंने डायरेक्टली अमाउंट दिया था, आज मैंने तो प्रेजेंट करके दिखाया। 42 में से 2,000 गया तो कितना बचा? 40। अब उसने एडजस्टमेंट में दिया आरडीडी कितना आना चाहिए? 4,000। 4 में से मैंने ऑलरेडी कितना माइनस किया है, और कितना माइनस करूंगा? 2। समझ में आया? तो और कितना माइनस करने का न्यू आरडीडी? 2,000। अंडरस्टूड? कल था 2,400 माइनस किया था, 600 माइनस किया, आज डायरेक्टली ऐसा लिख के बताया। मैं 40 में से 2 भी माइनस कर सकता था, और आज प्रेजेंटेशन ऐसा दिया। समझा? अब असेट का वैल्यू कम हुआ तो नुकसान है, कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस? 2,000। अरे समझा? व्हाट इज द जर्नल एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आरडीडी लिखो या टू डेटर्स लिखो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। समझ में आया? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आरडीडी या टू डेटर्स, कितना? 2,000। डन है? चलिए बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। क्या दिया है? ओहो, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो आज है ना, सम कल जैसा ही है, खाली भाषा बदल दिया है। कल कहा था कि पार्टनर ने डिसाइड किया है नील, आधा पैसा गुडविल का विड्रॉ करेंगे, कल था ना ये एडजस्टमेंट, आज घुमा के दिया है। ए बिजनेस, हमारा गुडविल का पैसा आया है? हाँ आया है। कितना आया है? 40,000। मकरन का कितना है? 20। महेश का कितना है? 20। बांटा था ना, आया और बांटा 20,000। तो काम कर, आधा पैसा तेरे पास रख, हा आधा ही तेरे पास रख, आधा पैसा तेरे पास रख, बिजनेस आधा पैसा तेरे पास रख, आधे पैसे का क्या करूं? तेरे पास आधा रख, बाकी मुझे आधा दे। तो भाषा चेंज किया, उसने बोला ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन, रिटेन का मतलब रखना। ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड किया रिटेन हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस, मतलब जो भी उनको गुडविल का पैसा मिलने वाला था उसमें से उन्होंने कहा आधा पैसा ही बिजनेस में रख, बाकी हमको दे दे। मतलब 20,000 उनका अकाउंट में आया था, उसमें से उन्होंने क्या बोला? आधा पैसा रख, बाकी आधा मेरे को दे दे। तो 20,000 का आधा कितना? इसका भी 20,000 का आधा कितना? तो दोनों ने कितना पैसा मांगा बिजनेस से? 10,000 मांगा है। अब बिजनेस को तो देना पड़ेगा, तो बिजनेस को देना पड़ेगा मतलब बिजनेस से पैसा जा रहा है। 10,000 गया किसके पास? गया पार्टनर, पार्टनर में 10,000 आ गया। अरे समझा? जनरल एंट्री क्या आएगी? पार्टनर मकरंत अकाउंट डेबिट, पार्टनर महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश कितना गया बिजनेस से? 20। इसमें से 10,000 मकरंद के पास गया, 10,000 महेश के पास गया। जनरल एंट्री क्या है इसका? जनरल एंट्री है मकरंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मकरंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। मकरंद 10,000, महेश 10,000, कैश क्रेडिट कितना? 20,000। एंट्री समझा? मेरे हिसाब से सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? क्वेश्चन चेक कर लो। अब करना है पोस्टिंग, बराबर है?
पोस्टिंग करने के लिए आपको आपका बैलेंस शीट चेक करना पड़ेगा। जरा आपका बैलेंस शीट चेक करो, असेट साइड से स्टार्ट करता हूँ। असेट साइड में सबसे पहला क्या दिख रहा है? बिल्डिंग। क्या मैंने बिल्डिंग का पोस्टिंग किया है क्या? हाँ सर, बिल्डिंग हो गया। उसके बाद क्या है? पोस्टिंग हो गया। फिर क्या है? डेटर्स हो गया। बैंक हुआ क्या? नहीं। तो बैंक असेट में नहीं लिखेंगे, बैंक के लिए अकाउंट बनाया है ना, तो असेट मतलब डेबिट साइड पे टू बैलेंस कितना? 20,000 बराबर। उसके बाद क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर का हुआ है क्या? नहीं, जैसा था वैसे लिख लो 10,000। हाँ क्या है? प्लांट मशीनरी के बाद बराबर ना, होता है ये उम्र में होता है वो स्टॉक होता है। असेट खत्म हो गया, लाइब्रेरी साइड पे जाते, नीचे से चालू करो। सबसे पहला क्या है? कोई एडजस्टमेंट था क्या? किधर जाएगा? लाइब्रेरीज पे। उसके बाद क्या है? कोई एडजस्टमेंट था क्या? जैसे थे वैसे लिख दिया। उसके बाद क्या है? महेश और मंगेश जो भी है, जो भी पार्टनर का नाम दिया है, मतलब कैपिटल दिया है, तो कैपिटल मकरंद का 95, महेश का 1,00,000। पोस्टिंग समझ में आया? इन पोस्टिंग का जर्नल एंट्री नहीं आएगा, क्लियर है? अब बचता है क्लोजिंग। गुडविल टैली हो जाएगा, देख लो 40,000 टैली बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस से क्लोज करना स्टार्ट करता हूँ। 28,000 में से 14 गया तो बचा कितना? 14,000। तो बैलेंस कितना आएगा? 14,000। इसे कहते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। किसको देने का है? मकरंद को और महेश को। कितना देने का है? 3:2। 3:2 मतलब 14,000 को 3:2 में डिवाइड किया, 8,400, 5,600। इधर डेबिट, तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस 8,400, 5,600। समझ में आया? पक्का 100%। अब इसकी जर्नल एंट्री आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मकरंद कैपिटल टू महेश कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट किया? 14,000। क्रेडिट में क्या आएगा? मकरंद 8,400, महेश 5,600। समझाइए, जर्नल एंट्री लिख के ले लो, जर्नल एंट्री लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मकरंद कैपिटल टू महेश कैपिटल। डन है, अमाउंट है 8,400, 5,600 और डेबिट में कितना? 14,000। ये जर्नल एंट्री समझा? चलिए अब एक एक करके पार्टनर का अकाउंट क्लोज करते। पहले मकरंद का, कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? 1,10,000 उधर दिख रहा है, इधर 95,20 यही ज्यादा लग रहा है। 1,23,400 इस साइड का टोटल है, इस साइड का टोटल है 1,23,400। सेम लिखा, उसमें से 1,10,000 माइनस करने का, तो 13,400 बचेगा। तो बैलेंस कितना है? 13,400 बराबर। महेश का अकाउंट क्लोज कराओ, 1,25,600 कितना माइनस करने का? 10, तो 1,15,600। मंगेश का 1,00,000 बैलेंस 1,00,000 ही आएगा। अब इधर डेबिट, तो इधर जाएगा लायबिलिटी साइड पे क्रेडिट में। कैपिटल करके तीनों का अमाउंट करके टोटल कर दिया, समझ में आ गया? नहीं टैली नहीं सबर। अब इसकी जर्नल एंट्री आएगी क्या? नहीं, इसकी जर्नल एंट्री नहीं। कैश अकाउंट बाकी है, कैश अकाउंट का टोटल किया 1,60,000, 1,60,000 20 माइनस किया 1,40,000 आया, किधर जाएगा? कैश। अब इसका टोटल करो, ये टैली हो जाएगा 2,36,000। क्लियर है? लेजर कैसे बनता है समझ में आ रहा है? पक्का? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो एनिमेशन कर रहा हूं नहीं समझ रहा है तो पहले बोलो। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं सर आप हैंड रिटर्न सॉल्व करो एक एक करके तो वो भी चलेगा मेरे को। ये इसलिए कर रहा हूं कि फटाफट मेरे को एक्सप्लेनेशन देने का ऐसे। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं सर आप एक एक करके सॉल्व करोगे तो भी हमको चलेगा या ऐसा भी चलेगा तो मेरे को बोलना। ऐसा नहीं जबरदस्ती कि ऐसा ही मेरे को पढ़ाने का। आपको ऐसा कि सर आप खुद से लिख लिख के बताओ ना तो भी चलेगा, तो वो भी करने के लिए रेडी हूं मैं। ऐसा है तो हाँ, और रिटर्न है तो भी, जो है मेरे को बोल देना, उसके हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर में वैसा करवा दूंगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।